दोस्तों नमस्कार। आज की जो बड़ी खबर आ रही है, सरकारी स्कूलों में 9 विषय में 9,322 पदों पर भर्ती होनी है और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 2018 की बात कर रहे हैं। 9,322 पदों के लिए 2,464 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। तो RBSE दोस्तों जल्द ही इस काउंसलिंग को कंडक्ट करेगी और उसके पश्चात सर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो जो जिन जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट सही है उन अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर मुख्य सूची जारी की जाएगी और आयोग सितंबर महीने में यह काउंसलिंग कर सकता है और इस काउंसलिंग के लिए RBSE जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ये न्यूज कल भी चढ़ाई थी लेकिन आज वापस पेपर में आई है, इसलिए दोस्तों वापस चढ़ा रहा हूँ। कई बार दोस्तों ऐसे होता है कि ऐसी परिस्थिति में नहीं होते कि हम बोल सके, इसलिए हम सिर्फ जो पेपर की कटिंग होती है उसको अपडेट कर देते हैं, इसलिए आप उसको पढ़ के अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं रीट RTET 2019 में जो होने वाली है लेवल 1 व लेवल 2 के लिए। तो आज मैं उपेन भाई का वीडियो देख रहा था, एक ऐसा इंसान जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि या तो रीट या RTET को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम करेंगे, यानी एक एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें क्वालिफिकेशन तय होगी और सब्जेक्ट का अलग पेपर होगा, या फिर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो RTET या रीट होगी उसके अंदर राजस्थान का पोर्शन बढ़ाया जाए। तो दोस्तों अगर राजस्थान का पोर्शन बढ़ाया जाता है तो राजस्थान GK के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बाद में वैकेंसी आने के बाद आप राजस्थान GK की तैयारी कर पाओ, इतना समय आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप धीरे धीरे राजस्थान GK की तैयारी शुरू कर देवें और राजस्थान GK आपके राजस्थान में होने वाले हर पेपर में काम आएगा। सेकंड ग्रेड में काम आएगा, SI का पेपर दोगे उसमें आएगा, RS का पेपर दोगे तो उसमें भी आएगा। फर्स्ट ग्रेड में वैसे RS राजस्थान GK का पोर्शन कम है और LDC में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, सब में ही आपके राजस्थान GK काम आएगा और राजस्थान में नौकरी लगनी है तो राजस्थान GK पढ़ना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे राजस्थान GK पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में राजस्थान GK की क्लासों के लिंक दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको थोड़ा विस्तृत करते हुए तैयारी करें। रीट और RTET दोस्तों एक ही चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। मैंने पहले ही कहा था दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर है। अब देखना यह होगा कि सरकार इनमें से क्या तय करती है। उसके अलावा दोस्तों अगर रीट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर कर देते हैं तो फिर आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा और इसलिए आप सब्जेक्ट की तैयारी भी बहुत अच्छी प्रकार से करें एवं रीट के लिए पूर्णतया तैयार रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।